काम हो जाए, फाइल पास हो जाएगी, पहले पैसे लाओ और रिपोर्ट को गायब करो। गलत धंधा करने वालों को अनिरुद्ध बहाल करेंगे। कैमरे में कैद सच कभी झूठ नहीं बोलता। आज हम करेंगे सरकारी सुविधाओं का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाले सांसदों को बेनकाब। दिल्ली का लुटियन जोन, सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील और पॉश माने जाने वाले इस इलाके में राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, मंत्रालयों के दफ्तर हैं और इन सब के बीच हैं सांसदों के सरकारी बंगले और फ्लैट। ऐसे सांसद जो जनता के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, लेकिन अपने निजी फायदे के लिए वो न तो सुरक्षा की परवाह करते हैं न ही कायदे कानून की। हम खुलासा करने जा रहे हैं सांसदों के आवास में चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों का। ऐसे सांसद जो सरकारी कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, सरकारी बंगले को निजी जागीर समझते हैं। हम बेनकाब करने वाले हैं ऐसे वरिष्ठ सांसदों को जो चंद रुपयों के लिए करने लगे हैं सरकारी आवासों में किराए का धंधा। सांसदों के आवास में कोई आतंकवादी या अपराधी अपना ठिकाना बना सकता है। सांसदों की कोठी में दफ्तर, एजेंसी या क्लब खोले जा सकते हैं। यहां तक कि दिल्ली के ऐतिहासिक लुटियन जोन में परचून की दुकान खोलनी हो तो इसके लिए भी एमपी साहब का बंगला मिल जाएगा। कैसे सांसदों के बंगले में किराए का धंधा चलता है, हम जब इस मामले की छानबीन के लिए निकले तो कुछ सांसद खुद भी कैमरे के सामने जरूरत है। इस धंधे में सिर्फ दलाल ही नहीं, कई सांसद भी शामिल हैं। ऐसे सांसद जो अपने सरकारी आवास के कमरे को किराए पर देने के लिए खुद मोल भाव करते हैं और किराएदारों से वसूलते हैं रुपया। ऐसे ही सांसदों को बेनकाब करने के लिए हमने छानबीन शुरू की। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई सुभाष नाम के इस शख्स से। दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर ढाबा चलाने वाले सुभाष का एक दूसरा धंधा भी है, सांसदों के आवास किराए पर लगाने का धंधा। हमसे मिलते ही इसने किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह तीन सांसदों के बंगले के बारे में बताया जिसके कुछ कमरे किराएदार के इंतजार में हैं। कौन कौन सा खाली है? कभी तीन खाली है, मैंने उनको बता दिया। गर्गल का है, एक रामजी लक्ष्मण का, एक और है, तीन है। जिससे मेरी पहले बात हो जाएगी, इनको पसंद आ जाएगा तो पहले मैं इनको दिला दूंगा। सुभाष ने हमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दो ऐसे सांसदों के नाम भी बताए जिनके सरकारी बंगलों के कुछ कमरे किराए पर लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसने हमसे थोड़े दिनों की मोहलत मांगी। सुभाष से जब हमारी अगली मुलाकात हुई तो इसने एक तीसरे सांसद का नाम बताया जिनके बंगले का कमरा किराए के लिए खाली था। सांसद का नाम था सीताराम यादव, आरजेडी सांसद सीताराम यादव। ये बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं। सांसद सीताराम यादव के सरकारी बंगले का पता है 12D फिरोज शाह रोड। ढाबा मालिक सुभाष हमें आरजेडी सांसद सीताराम यादव का कमरा किराए पर दिलवाने वाला था। वो हमें सांसद सीताराम यादव के बंगले पर कमरा दिखाने के लिए ले गया। यहाँ सुभाष ने सबसे पहले हमारी मुलाकात करवाई राम कुमार नाम के इस शख्स से। राम कुमार खुद को सांसद सीताराम यादव का निजी स्टाफ बताता है। राम कुमार बगैर किसी पूछताछ के हमें किराए का कमरा दिखाने लगा। सांसदों के आवास में फर्नीचर बागवानी से लेकर हर तरह के रख रखाव का जिम्मा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD का है। आरजेडी सांसद सीताराम यादव का स्टाफ राम कुमार किराएदार के लिए CPWD से मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी देने को तैयार था। उसने हमें सांसद बंगले के दो कमरों के बारे में बताया जिनका किराया 20,000 रुपए महीना था। राम कुमार से हमने सिर्फ एक कमरे की बात की जिसका किराया मांगा गया 10,000। किराए की बात पक्की करने के लिए हम राम कुमार से जब अगली बार मिले तो उसने हमसे पूछताछ करनी शुरू की।
हमने बताया कि हम राजीव शर्मा नाम के किसी वकील के लिए काम करते हैं। हमें किराए का कमरा वकील साहब के दफ्तर के लिए चाहिए। खुद को आरजेडी सांसद सीताराम यादव का निजी स्टाफ बताने वाले राम कुमार ने कहा कि सांसद महोदय आने वाले दिनों में मंत्री भी बन सकते हैं, इसलिए हम अपने दफ्तर में कोई ऐसा काम न करें जिससे बदनामी हो। वो हमें किराए के लिए और भी कई तरह की शर्तें बता रहा था। आपके साथ में टर्म ऑफ कंडीशन सुन लो, दोनों रूम का एक महीने का तो लगेगा एडवांस। नहीं, अभी हमारे को एक ही दे दीजिएगा आपको। हाँ, वही भी एक ले लीजिए। हाँ, एक महीने का किराया। अच्छा ठीक है, एक महीने का एडवांस हमारे पास जमा रहेगा। नहीं, वो तो जो ठीक सुधा जी हाँ बोलते हैं, जब आप खाली करके जाओगे उस महीने का किराया नहीं लगेगा, एडवांस एक महीना पहले। हम राम कुमार की तमाम शर्तें मानने को तैयार थे क्योंकि हमें आरजेडी सांसद के सरकारी बंगले का कमरा किराए पर लेना था। अगली मुलाकात में राम कुमार ने हमसे कमरे के लिए 10,000 रुपए एडवांस भी ले लिए। 10 राम कुमार ने कमरा देने से पहले हमें अविनाश नाम के एक और शख्स से मिलवाया जो खुद को सांसद सीताराम यादव का निजी सहायक बताता है। अविनाश भी हमसे कमीशन वसूलना चाहता था, लेकिन हमने कमीशन के बदले किराए की अगली किस्त दी 8,000 रुपए। जो भी हो, जो भी कितने? आठ को जमा चेक करो तो फिर आपको दे दो। तो आप कब बताइए? आप बताइए कब? कल से चालू हो गए। अब हमें आरजेडी सांसद सीताराम यादव के सरकारी बंगले का एक कमरा किराए पर मिल चुका था। बंगला नंबर 12D फिरोजशाह रोड अब हमारा दफ्तर बन चुका था। हमने दिखावे के लिए कमरे में गृह प्रवेश के नाम पर पूजा की, कुछ सामान भी रख दिए। अब हम किराएदार थे और हमारे मकान मालिक बन चुके थे आरजेडी सांसद सीताराम यादव। हम सांसद सीताराम यादव से भी मिलना चाहते थे ताकि ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने सरकारी बंगले का कमरा किराए पर दिया है। जब हम सांसद सीताराम यादव से मिलने पहुंचे तो वे बिस्तर पर बैठे थे। पता चला कि उनके पांव में कुछ दिन पहले ही चोट लगी थी। सीताराम यादव हमारे साथ आए वकील राजीव शर्मा से पूछताछ करने लगे क्योंकि हमने कमरा उन्हीं के नाम पर लिया था। आरजेडी सांसद सीताराम यादव से हम किराए के कमरे के बारे में बात करना चाह रहे थे। हमने उन्हें बताया कि किराया 16,000 रुपए हमने एडवांस में दे दिए हैं। वही हमने वो किराया दे दिया था पूरा 16,000 रुपया। थैंक यू। तो कोई बात होगा तो बात करेंगे। इस महीने का किराया परसों तक दे देंगे हम लोग। इस महीने का जो भी है परसों तक दे देंगे किराया। एक दो चीज करके इसको एसी की जरूरत थी, एसी वगैरह। तो सर अगर आके बैठेगा तो फिर एसी वगैरह चाहिए होता। तो जो भी किराया होगा एसी का हम लोग, हमने बोला था अविनाश जी को और सबको कि हम दे देंगे। किराए के कमरे को लेकर हमने जितनी बातें कही आरजेडी सांसद उन पर सिर हिलाकर सहमति जता रहे थे। शायद उन्हें पहले से सब कुछ मालूम था। इस बात को पुख्ता करने के लिए हमने उनके निजी स्टाफ बने अविनाश का भी जिक्र किया जिसे हमने किराए का एडवांस भी दिया था। आरजेडी सांसद सीताराम यादव के सरकारी बंगले के इस कमरे को हमने अगस्त 2006 में किराए पर लिया था और हम अभी तक इसके किराएदार हैं। पिछले 3 महीने से हम इसका किराया चुकाते आ रहे हैं।
इन 3 महीनों के दौरान हमारा हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहा। हमारी तहकीकात जारी थी, हम बेनकाब करने वाले थे कई बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े वरिष्ठ सांसदों को, ऐसे सांसद जिनके सरकारी बंगले का गैर कानूनी इस्तेमाल होता है, ऐसे सांसद जो रुपयों के लिए सरकारी कमरे का मोलभाव करते हैं, खुद किराए के रुपए गिनते हैं। ब्रेक के बाद हम करेंगे कई और खुलासे। आप देखते रहिए बेनकाब।